72 घंटे का हम लोगों ने समय भी दिया कि इस अंदर सरकार छात्रों के साथ न्याय कर दे ताकि हमें आंदोलन न करना पड़े, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं लिया गया। पटना कॉलेज से निकालेंगे पैदल मार्च और बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। तो हमारी मांग है कि सीबीआई जांच आप एक बार कराइए, क्योंकि एक बार सीबीआई जांच हो जाती है तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो दरोगा बहाली, सिपाही बहाली सब में सेटिंग कराते हैं। लगातार बीपीएससी छात्रों के बीच विवादों में घिरा हुआ है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी है, जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे और फिर उसके बाद सीएम आवास का घेराव तक करने चले गए थे, और बीपीएससी के छात्रों के द्वारा एक बार फिर से महाआंदोलन और पैदल मार्च की चेतावनी दे जा रही है। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। आप लोग उस दिन सीएम आवास के पास आवास का घेराव करने गए थे, क्या कुछ बातें हुई थी ये बताइए। देखिए, हम मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी से मुलाकात करवाई गई और उस समय कहा गया कि मुख्यमंत्री जी पटना में नहीं है, तो आमिर सुबहानी जी के सामने हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि रिजल्ट के पीडीएफ में जो छेड़छाड़ है, ओएमआर में छेड़छाड़ है, उसकी सीबीआई जांच हो, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, इसके अलावा 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत है उसको सुधार कर रिजल्ट दिया जाए, कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके, इसके अलावा 67वीं मेंस का डेट बढ़ाया जाए, पीटी का रिजल्ट जो है अपीयरेंस का 10% या सीट का 30 गुना दिया जाए, 68वीं में भी आया उसके बाद भी, मतलब ये लागू किया जाए, और उसके बाद उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर भी बहुत सारे लोग वहाँ आए थे तो उनका भी मुद्दा हमने वहाँ रखा था कि आप हर स्टेट में जो उम्र सीमा है 40 है तो इसमें भी आप बढ़ाइए, 37 अभी है 40 कीजिए, कोरोना के चलते भी बहुत सारी समस्याएं हुई है, और इसके अलावा ई ऑप्शन हटाने की बात भी हमने कही थी, तो इन सब मुद्दों पर बात हुआ था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी तक ये बात हम पहुँचाएँगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा, चुप्पी साध लिया गया। 72 घंटे का हम लोगों ने समय भी दिया कि इस अंदर सरकार छात्रों के साथ न्याय कर दे ताकि हमें आंदोलन न करना पड़े, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं लिया गया अभी तक, असंवेदनशील बनी हुई है सरकार, तो अब मजबूरी में हम लोग को फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है, और 7 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे से हम लोग पैदल मार्च पटना कॉलेज से निकालेंगे। कहाँ पैदल मार्च है, कहाँ से कहाँ तक है? पटना कॉलेज से निकालेंगे पैदल मार्च और बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। उस दिन आप लोग वहाँ पे गए थे तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, उनसे आप लोग की बातें हुई, आप लोग की बातें, उन्होंने बोला कि सीएम तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग उससे भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि आप लोग के पक्ष में कुछ नहीं आया। देखिए, बात पहुंचाएंगे और अभी तक कुछ हुआ नहीं, 4 दिन बीत गया 5 दिन बीत गया तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो अब कितना इंतज़ार करें, 29 दिसंबर से परीक्षा भी होनी है मेंस परीक्षा, तो कितना इंतज़ार किया जाए, तो हम लोग इसलिए अब मजबूरी में सड़क पर उतर रहे हैं। उस दिन जो आप लोग के आपके साथ जो लोग पहुंचे थे सीएम आवास का घेराव करने, कुछ लोगों पर लाठियां भी चलाई गई थी, उसके बाद भी फिर आप बोल रहे हैं कि फिर से दोबारा उतरेंगे हम लोग? निश्चित रूप से उतरेंगे, हम लोग संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे जहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं होगी, और यही हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अच्छा दिलीप जी, क्या आखिर वजह हो रही है कि क्योंकि आप लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लंबे समय से, आप लोगों दो दो बार बीपीएससी ऑफिस का घेराव भी किया, उसके बाद भी जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं ना ही वो आपकी आप लोग की आवाज़ सुन पा रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, सरकार असंवेदनशील बनी हुई है जी, और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और चुप्पी साधी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस धांधली सेटिंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के करीबी नेता, करीबी अफसर इसमें संलिप्त है, इसलिए ये लोग चुप्पी साध लिए हैं, नहीं तो जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं, जब बीजेपी सत्ता में थी उस समय भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज जब बीजेपी विपक्ष में है और आरजेडी सत्ता में तो भी हम सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग कहीं राजनीतिक रूप से नहीं है, ये हमारा मांग शैक्षणिक रूप से है और बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो हमारी मांग है कि सीबीआई जांच आप एक बार कराइए, क्योंकि एक बार सीबीआई जांच हो जाती है तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो दरोगा बहाली, सिपाही बहाली सब में सेटिंग कराते हैं, सारे लोग पकड़े जाएंगे, बिल्कुल पकड़े जाएंगे। 7 दिसंबर को आप लोग पैदल मार्च कीजिएगा या महाआंदोलन होगा? पैदल मार्च के रूप में ही महाआंदोलन होगा, पैदल मार्च के रूप में महाआंदोलन, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, पैदल मार्च होगा जी। तो वहाँ से पटना कॉलेज से जब आप लोग चलिएगा बीपीएससी कार्यालय तक जाना है, आगे सीएम आवास तक जाना है, पुलिस बहुत ज़्यादा रहेगी, कैसे आगे जाइए? अब देखिए, पुलिस का अपना काम है, ड्यूटी करना है, जो वो करे वो उनके ऊपर है ना, हम लोग तो अपना काम करेंगे, प्रशासन के तरफ से क्या होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपना काम कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये हम करेंगे। तो मतलब छात्र नेता दिलीप क्या कुछ आह्वान करेंगे बच्चों से ये बताइए? बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम यही अपील करते हैं
कि आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे पटना को ले जाइए, क्योंकि ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ 67वीं की लड़ाई नहीं है। और 67वीं में आप देख लीजिए परसेंटाइल लाने की उसमें तैयारी है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की बात कही जा रही है। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और उसके बाद ई ऑप्शन हटाया जाए। और 68वीं में देखिए 281 सीट है, तो अभी जैसा सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो कितना 3-4 हज़ार रिजल्ट दिया जाएगा, तो उसमें कैसे पास, क्या पास कीजिएगा, कौन पास करेंगे, किनको मौका मिलेगा, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि अपीयरेंस का 10% या सीट का 30 गुना रिजल्ट दिया जाए। तो आप सभी समस्त छात्र छात्राएँ, उसके अलावा सचिवालय में भी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम हो जो 23-24 दिसंबर को होना है, तो पूरी पारदर्शिता उस बहाली में लाई जाए। तो इसलिए आप समस्त दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, BSSC से सचिवालय सहायक, जितने भी अभ्यर्थी हैं, BPSC अभ्यर्थी हैं, सभी लोग मिलकर आइए, एकजुट होकर हम लोग लड़ते हैं। चलिए, अभी आपने सुना मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। आपको बता दें कि लगातार ये छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं, और आपको बता दें कि जब से BPSC 67वीं के PT का रिजल्ट आया है, लगातार इन लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो BPSC 67वीं का जिस तरीके से कट ऑफ आई गया, तो कहीं ना कहीं जो BPSC के छात्र हैं उनके बीच एक संदेह बना हुआ है, कुछ में भी धांधली हुआ है। और अब छात्र नेता दिलीप एक बार फिर से बच्चों से आह्वान कर दिए कि 7 दिसंबर को पटना पहुँचे, और 7 दिसंबर को ये लोग एक बार फिर से पटना कॉलेज से लेकर BPSC कार्यालय और CM आवास तक पैदल मार्च करेंगे और महा आंदोलन करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।